सारा विश्व रे आतंकवादर प्रयोजक एवं आतंकवादी भूस्वर्ग रूपे जीए कुख्याति अर्जन करछि सबुठु अधिक सेही देश एबे प्रति मासरे आतंकी हमलार सामना करछि। 2023 जनवरी रु जुलाई मध्यरे सबु मास कोनोसी ना कोनोसी स्थान रे विस्फोरण घटाउछंती आतंकवादी। सेपटे रविवार दिन खाइबर पख्तुनामारे होइतिबा आत्मघाती विस्फोरण पछरे आतंकवादी संगठन आईएस रो हात थिबा अनुमान करा जाउछि। राजनैतिक सभारे अचानक भयंकर विस्फोरण होइतिला, केही किछि बुझिबा आगरु सब किछि छिनछत्र होइ जाइछि। आउ तापरे चारिआडे आत्मचित्कार धा दौड़ लागि रहिथिला। खाइबर पख्तुनामार बजर जिला खाठारे आयोजित एक पॉलिटिकल मीटिंग रे एकाठी होइतिले जुर दलर प्राय 400 कर्मी। तन्मध्यरु 44 जणक जीवन नेछि आत्मघाती विस्फोरण, शताधिक आहत मध्य होइछन्ति। एजाए कोनोसी आतंकी संगठन एही हमला पई निजकु दायी करिनथिबा बेले प्राथमिक तदंतरु एहा इस्लामिक स्टेट बा आईएस रो कांड बोली आशंका करा जाउछि। आउ एही आशंका पुलिस करछन्ति। दल जिला मुख्य मंच को आसीबा मात्रे आगो धाड़ी रे बसीथिबा सुसाइड बम्पर 10 केजी विस्फोरक थिबा बोमा को विस्फोरण कराइथिले। एही घटना रे 3 जण संदिग्ध को अटक रखी पुलिस जेरा करथुबा बेले घटनास्थलरु प्रमाण गोटाइबा पई चेष्टा करूछि बम स्क्वाड। जामियात उलेमा इस्लाम फजल बा जुल्फ एफ कट्टर इस्लामीय राजनैतिक दल अटे, एहा तालिबान रो समर्थक। पाकिस्तान मिलित सरकार रे एक प्रमुख भागीदार रहिछि। अफगानिस्तान सीमावर्ती खार शहर रे चलीथिला एही दलर बैठक। तेबे चलित वर्ष शेष आड़क पाकिस्तान रे साधारण निर्वाचन हेबाकु थिबा बेले देशर पॉलिटिकल माहौल भी सरगरम रहिछि। तेबे राजनैतिक सभारे एभली आतंकी आक्रमण सारा देश को दोहलाई देछि। सेपटे पाकिस्तान प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ एही आक्रमण रो तीव्र निंदा करिबा सहित गृहमंत्री राणा सनाउल्ला एवं खाइबर पख्तुनामा सरकारंठारु रिपोर्ट मागिछंती एवं तदंतर निर्देश देछंती। जेउ माने धर्म एवं देश विषय रे कथा कोंती आतंकवादी सेमानंकु ही अधिक निशाना करिथांती। आतंकवादी पाकिस्तान रो शत्रु एवं पाकिस्तान रो शत्रु को निपात करिबा पई अछि। तेबे सूचना योग्य जे पाकिस्तान रे आर्थिक एवं राजनैतिक अस्थिरता बढ़िबा सहित किछि मास हेप आतंकी गतिविधि भी वृद्धि पाइबारे लागिछि। तेबे चलित वर्ष प्रारंभ रे खाइबर पख्तुनामार राजधानी पेशवारे एक मस्जिद रे आत्मघाती विस्फोरण होइथिला। आउ एथिरे शताधिक लोकंकर जीवन मध्य जाइथिला। सेपटे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बा सिपेक प्रकल्पर 10 वर्ष पूर्ति पालन करिबा पई रविवार इस्लामाबाद रे पहुंचछंती चीन उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग। तेबे पाकिस्तान रे पाद देबा परे परे ही खाइबर पख्तुनामारे एते बड़ विस्फोरण घटिछि आउ जहा फळरे सबु आयोजन को फीका कर देछि। 2013 रे सिपेक प्रकल्प आरंभ हेबाठारु विभिन्न स्थानीय संगठन और विच्छिन्नतावादी एवं आतंकी संगठन तीव्र विरोध करि आसुछंती। तेणु चीन रो उप प्रधानमंत्री ग्रस्त दिन एभली आत्मघाती विस्फोरण से दिगरे कौनसी लिंक रही ना नहीं ताकु नहीं मध्य तनाघना चली। तेबे एहाकु नहीं मध्य चर्चा जोर धरछि। तेणे एही आक्रमण रे चीन डेप्युटी पीएम को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाइछि। एथिसहित 2 दिनिया स्थानीय छुट्टी मध्य घोषणा करछंती पाकिस्तान सरकार। जुलाई 31 तारीख एवं अगस्ट 1 तारीख पई छुट्टी घोषणा करा जाइथिला। लोकंक यातायात उपरे कटकणा मध्य लगा जाइछि। तेबे इस्लामाबाद रो व्यवसायी गोष्ठी एही छुट्टी घोषणा को न मानि व्यवसाय प्रतिष्ठान खोला रखा जीव बोली घोषणा करिथिबा देखिबाकु मिलिछि। एहा मध्य होइछि मध्य। ब्युरो रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान ओ परामर्श पई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं
ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।